चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ और यूट्यूब की आम्रपाली दुबे के साथ यामिनी सिंह अभिनीत भोजपुरी मूवी लल्लू की लैला बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस के साथ साथ मुंबई के बॉक्स ऑफिस पर शानदार दूसरा सप्ताह प्रवेश कर लिया, यानी कि दूसरे सप्ताह भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ यामिनी सिंह का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर करीब 35 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को दूसरे सप्ताह प्रवेश मिला है, तो वहीं मुंबई के सिनेमाघरों में करीब 15 से ज्यादा सेंटर पर एक बार फिर से दूसरे सप्ताह प्रवेश मिल चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बार फिर से दूसरे सप्ताह भी निरहुआ का जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखने को भोजपुरी दर्शकों को मिलेगा। आपको बता दें कि लल्लू की लैला में निरहुआ का बिल्कुल अलग अंदाज एक बार फिर से दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके पहली बार निरहुआ यामिनी सिंह के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो वहीं आम्रपाली दुबे और निरहुआ का एक बार फिर से चुलबुली और मस्ती भरा अंदाज दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक तड़का गाना दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लल्लू की लैला पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, तभी तो दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक लल्लू की लैला नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर लल्लू की लैला जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ यामिनी सिंह वाली लल्लू की लैला का अभिनय कैसा लग रहा है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।